का फोन आ गया। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मैंने अपने भाई के बारे में बताया था सर आपको, वह पढ़ाई भी पूरी कर रहा है, 2 साल से घर में ही पढ़ा है सर। बोलता है IPS बनूंगा, यह बोलकर काम पर भी नहीं जाता। तो मैं क्या करूँ अब इसमें? सर आप उसे समझाइए कि हमारा डिपार्टमेंट कितना कठिन है। वह IPS के नाम पर कुछ काम नहीं कर रहा सर, सिर्फ घूमता रहता है। सर आप ही उसे समझाइए सर। चलो ठीक है, तुम मुझे मेरे पास भेज दो उसे। मैं उसे भेज रहा हूँ सर, 2 घंटे में आपके पास होगा सर। ठीक है, मैं संभालता हूँ सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, कैसे हो आप? वेलकम, आओ बैठो। तुम कोई और काम भी कर सकते हो, तुम्हें पता गवर्नमेंट जॉब में कितनी कमाई नहीं बची है। तुम IPS बनना चाहते हो? यस सर। जब से तुम आए हो, जब से मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सर मैंने साइको गैस के बारे में ज़्यादा सुना है, उसको सुनने के बाद ही मेरे अंदर पुलिस बनने की जिज्ञासा बढ़ी है। तुम जरूर, मुझे लगता है, पुलिस में काम करोगे। सर मैं उस केस के बारे में जानना आया हूँ, प्लीज मुझे बताइए क्या था वह केस। मैं तुम्हें केस के बारे में जब बताऊँगा, जब तुम मुझे बताओगे तुम केस के बारे में कितना जानते हो। सर मैं इस केस के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर जितना जानता हूँ उतना बता देता हूँ। किसका फोन आ गया? हेलो हेलो सर, शिव चौक पर एक वारदात हुई है। अच्छा सर, जल्दी वारदात पर पहुंचो। अभी मैं पहुंच रहा हूं। ठीक है, अभी पहुंच रहा हूं। हाँ सर, अभी जा रहा हूं। किसका आ गया फोन? हेलो हेलो सर, मैं नया कॉन्स्टेबल। हाँ पता सर, शर्मा जी ने बताया था। देखो शिव चौक में एक वारदात हुई है, वहीं आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिल लूँगा और तुम्हारे से तुम्हें वो वारदात के सिचुएशन की पता चल जाएगी। ठीक है? ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ये सिचुएशन ये है, यहाँ पे मेरे लड़का पड़ा है, किसी ने इसके लगता गोली मारी। ऐसा करो, इसे फॉरेंसिक लैब भेजो। ठीक है, और फॉरेंसिक लैब भेज के मुझे भी पता चलेगा इसमें क्या हुआ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी है। रिपोर्ट के हिसाब से तो ये लड़का दौड़ रहा था और इसके पैरों में तो मट्टी लग रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? जो गोली इसके शरीर से मिली है वो पुलिस वाले यूज करते हैं अपने पास। तो इसका मतलब जो गोली चली है या किसी पुलिस वाले ने मारी है या किसी ने पुलिस की बंदूक चुरा के जब उसे मारा है, कुछ भी हो सकता है।
इस केस के बारे में हमें ये तो पता चल गया था, जो लड़के को गोली मारी है वह गोली पुलिस की गन से चली है और वह हत्यारे से बचकर भाग रहा था। हमें इस केस के बारे में ये नहीं पता चल रहा था कि वो जो लड़का है, वो लड़के ने ऐसा क्या काम किया था जिससे उसकी मौत हुई, और खूनी उसे क्यों मानना चाह रहा था, हमें ये भी नहीं पता चल रहा था। हेलो हेलो सर, खूनी का पता चला है। कौन बोल रहा है? पर मैं अभी आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता, बस मैं ये बताना चाहता हूँ मैंने खूनी को देखा है और मेरे पास उसका फ़ोटो भी है। मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारी पहचान गुप्त रहेगी। मैं आपको गली नंबर 4 बाबू नगर में मिलूँगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो सर, गली नंबर 4 पर खड़ा हूँ। सर मैं आ रहा हूँ। ठीक है। सर ये फोटो है का। अच्छा, व्हाट्सअप कर दो मेरे को। कर दिया सर, देखो आ गया होगा। ठीक है, अभी देखता हूँ। यही है वो लड़का जिसने उस लड़के को मारा? यस सर, यही है वो त्यारा। अगर ये मेरे आगे दोबारा आ जाए तो मैं दोबारा पहचान लूँगा। और भी कुछ जानता है इसके बारे में? यही जानता है। यस सर, इसे CNG पंप के आसपास देखा गया है कई बार, और ये आपको मिलेगा तो वहीं मिल सकता है। तेरी पहचान गुप्त रहेगी। ठीक है, हमको खूनी का तो पता चल गया था, वह दिखता कैसा है और कहाँ मिलेगा। यह हत्यारा दिख रहा कहाँ है? जगह तो ये बताई थी सामने गैस पंप है, ये है कहाँ हत्यारा? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। ये वही लग रहा है, लग तो यही रहा है। वो ये साला इधर आओ, इसे चुपचाप पकड़ना है। ये बैठा सामने, इसे पकड़ना है, होशियारी से पकड़ना पड़ेगा इसे। ब्रेकिंग न्यूज़, एक कांस्टेबल और इंस्पेक्टर को हुआ है दर्दनाक एक्सीडेंट। एक ट्रक ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और ICU में दोनों का इलाज चल रहा है।
कांस्टेबल जो नए पुलिस में भर्ती हुए हैं तो उनका चेहरा बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और इंस्पेक्टर के दोनों हाथ पैरों में चोट लगी है और दोनों की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। सर फिर केस का क्या हुआ, खूनी पकड़ा गया? नहीं, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं पहले की तरह काम नहीं कर सका और केस हमेशा के लिए लटक गया और खूनी कभी पकड़ा ही नहीं गया। हेलो सर, मैं राजन बोल रहा हूँ सर। हाँ, हम बात कर रहे थे राजन, अभी बात चल रही थी हमारी। आप बुरा मत मानिए सर, मैंने अपने भाई को आपके पास भेजा था, उसे पता चल गया सर, उसने आने से मना कर दिया। आप बुरा मत मानिए, प्लीज़ बुरा मत मानिए। ये कौन है? कौन हो तुम? फाइनली आपको ये सवाल पहले करने चाहिए था। मैं कौन हूँ? अगर मैं आपको पहले बताया था तो इस केस के बारे में मुझे कई पूरी डिटेल नहीं मिलती। ऐसी गलती कभी मत करना सर। आपने उस कातिल का चेहरा अच्छी तरह से देख रखा होगा, पर ये बात आपने कभी नहीं बताई। कातिल बाहर घूम रहा है, ये देख के गुस्सा तो आया गई। कातिल कौन है ये जानने पर भी आपने कुछ नहीं किया। तुम मेरे पर गुस्सा हो तो मेरे बताने के बाद तुम मुझे गोली मार देना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। जो तुम्हें जानना था वो सब मैंने बता दिया है, अब तुम बताओ तुम कौन हो? अब बेहतर हूँ, 2 साल से सो रहे थे, मेडिकल वाशरूम में गए, 2 साल से कोमा में थे। गुड न्यूज ये है कि हमने तुम्हारी सारी डैमेज स्किन को निकाल दिया है। बैड न्यूज ये है कि हम तुम्हारा चेहरा पहले जैसा नहीं बना पाए। कहा जाए इतने साल चुप रहने की वजह से अब तुम अपनी आवाज भी बदल चुकी है। इन शॉर्ट तुम एक न्यू पर्सन हो। मुझे पता चला मेरी पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं आएगी, मेरी पुरानी लाइफ खत्म हो चुकी थी। मैं खुद से ही नफरत करने लगा, मैं आंसर ढूंढने निकल पड़ा। मुझे कुछ समय बाद पता चला केस अभी भी ओपन है। हेलो अमन, सच मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी नए आदमी से बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे गन क्यों दिखा रहे हो? मैंने ऐसी क्या गलती करी है? सवाल करने के लिए मैं आपके पास 10 दिन पहले आया था। चेहरे को मैंने 2 साल पहले देखा था, उस वक्त आप भाग्यशाली थे, और जो इस वक्त मेरे गन हाथ में
और उस वक्त होती तो आपको उसी वक्त मार देता मैं। मैंने आपको गन पॉइंट पर इसलिए रखा क्योंकि आप कातिल को जानते थे, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। बिना कारण किसी को गन पॉइंट पर रखूँ इतना बुरा नहीं हूँ मैं, लेकिन एक कातिल को बचाने वाला आप भी अच्छा आदमी नहीं हो। मेरी हर हरकत दूसरों को गलत लग सकती है, आपको सच सच बताना होगा, और कोई रास्ता नहीं है सर। कातिल मेरा भाई है।